Well, this is not a vlog. This is a message. सुबह जब मैं उठाऊँ तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं व्लॉग करूँगा ईद की नमाज में, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सुबह हम निकला हूँ, रश भी काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद मैं जब गया हूँ ईद की नमाज जिस जगह पे नमाज होनी थी, तो वहाँ पे बेसिकली कोई सूटेबल जगह मिली नहीं कि मैं व्लॉग कर सकूँ, तो मुझे ज़्यादा मुनासिब भी नहीं लगा वहाँ पे व्लॉग करना, इसलिए मैं थोड़ी सी कैप्चर किया था वहाँ पे, थोड़ी सी वीडियो को कैप्चर किया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अल्लाह अलैहि मजमाईन अपने कुछ न कुछ ऐसे खेल पेश किया करते थे, कुछ हबशी थे वो वहाँ पे खेल के मैदान। गर्मी में बेसिकली यही हाल होता है, जब गर्मी होती है तो पसीना ज़्यादा आता है, तो लोग सुबह को ईद पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो जो करीब लोग होते हैं उनसे मिल लेते हैं, उसके बाद घरों में चले जाते हैं, जैसा कि आज हुआ, गर्मी की ईद थी। उसके बाद लोग जो है वो शाम को निकलते हैं। अब देखते हैं कि आज के कितना हमें वो आउटपुट मिलता है इस वीडियो का। Well, this is not a vlog. This is a message. Actually, मैंने vlog शुरू किया था, आप लोगों को दिख भी रहा है। Hello जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो मैं अभी ईद की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने उसको कंटिन्यू किया था, लेकिन जैसे मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया, मैंने इसको कंटिन्यू किया, वहाँ पे जाके ईदगाह पे कुछ अजीब सी फीलिंग हुई। हर कोई सोशल मीडिया के लिए डिफरेंट वीडियोस कैप्चर कर रहा था, तो फोटोज कैप्चर कर रहा था। दरअसल ये आजकल हमारा ट्रेंड हो गया, हम हर अपने मोमेंट को सोशल मीडिया के लिए सेपरेट करते जा रहे हैं। अपनों के साथ हम लोग टाइम स्पेंड करना भूल चुके हैं। लोग सेल्फीज ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, और उसके बाद में गायब हो रहे थे। क्यों? उन सबको जल्दी थी जाकर चीज़ें सोशल मीडिया पे अपलोड करने की, फोटोज वीडियोस। और जब मैंने देखा कि मैं भी उन्हीं की तरह कर रहा हूँ, दैट्स नॉट ट्रू। हर चीज़ सोशल मीडिया के लिए नहीं होती, आपके यूट्यूब के लिए, आपके इंस्टाग्राम के लिए, आपके फेसबुक के लिए नहीं होती। कुछ चीज़ें, कुछ टाइम, कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो आप अपनों के साथ स्पेंड करते हैं। और वहाँ जाके मुझे इसी चीज़ के रियलाइज़ हुआ कि हम लोग एक दूसरों के साथ, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना भूल चुके हैं। हम लोगों को जल्दी होती है सेल्फी लेने की, कि उसको सोशल मीडिया पर डालें और देखें उसके ऊपर कितने लाइक आएँ। हम लोग ये भूल गए कि हम कोई ऐसी अच्छी बात करें जिससे हमारे अपने मुतासर हों, खुद में चेंज लाएं, बेहतरी लाएं, और सबसे बड़ी बात हम अपनों के साथ टाइम स्पेंड करें। तो मैंने इस चीज़ को कुट किया, व्लॉग को वहाँ पे एंड किया, और अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा बेहतर समझा। पता नहीं आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते, अगर तो करते हैं मुझे नीचे कमेंट में बताएं, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे ये फील होता है कि हम अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना भूल चुके हैं। हम हर चीज़ मोबाइल के लिए, सोशल मीडिया के लिए कैप्चर करना शुरू हो गए। हम नहीं देखते हमारे राइट साइड पे कौन है, हमारे लेफ्ट साइड पे कौन है, हमें बस अच्छा कंटेंट चाहिए। अपने क्या महसूस करते हैं वो हम लोग भूल चुके हैं। खैर, एक बार एंड पे मैं फिर कहूँगा, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ईद की डेढ़ों लाखों करोड़ों खुशियां मनाएं। खुदा करें ये ईद आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए इज्जत, रहमत, बरकत और कामयाबी का एक नया दौर लेके आए। दुआओं में याद रखिएगा, वंस अगेन ईद मुबारक।